जो सब्जी आपको पसंद नहीं है उसी से कुछ नया और टेस्टी बना के खिलाया जाए तो आप ज़रूर खाना पसंद करेंगे, वो भी बिना नाक मुंह मोड़े। तो आज मैं लेके आई हूँ ऐसी ही नापसंद सब्जी से बना स्नैक्स, जो कि बहुत ही आसानी से और झटपट बन जाता है और खाने में तो बहुत ही लाजवाब लगता है, और आपके घर में बच्चों को भी नहीं पता चलेगा कि ये उनकी नापसंद सब्जी से बना हुआ इतना टेस्टी स्नैक्स है। एक बार इसे आपने बनाकर खा लिया तो आप इसे बार बार बनाकर खाना चाहेंगे, आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है बहुत सारे लोगों की नापसंद सब्जी यानी कि लौकी, जिससे ये नाश्ता आज मैं बनाने वाली हूँ। लौकी को ग्रेट करने के बाद किसी साफ़ सुथरे कपड़े में डाल के उसको अच्छे से प्रेस करके उसका सारा पानी निकाल लेना है, क्योंकि उस पानी की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। अभी मैंने यहाँ पे 4-5 बारीक कटी हुई हरी मिर्च ली है, इसकी जगह आप चाहे तो मिर्ची पाउडर भी ले सकते हैं, बट इस टिक्की में हरी मिर्च का टेस्ट अच्छा आता है। आप अपने हिसाब से मिर्ची की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे बारीक कटा हुआ हरा प्याज लिया है, जो भी मार्केट में बहुत ही अच्छे से मिल रहा है, आसानी से और सस्ते दाम में मिल रहा है, और ये टिक्की में इसका टेस्ट अच्छा आता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप सादा प्याज भी ले सकते हैं बारीक कट करके। अभी मैंने यहाँ पर मुट्ठी भर के धनिया लिया है, धनिया की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा ही रखेंगे तो टिक्की में इसका टेस्ट अच्छा आता है। धनिया की भी अभी कोई कमी नहीं है मार्केट में, अच्छा धनिया आ रहा है, बिल्कुल देसी धनिया आ रहा है और वो भी कम दाम में अच्छे से मिल रहा है। अभी यहाँ पे थोड़े से मसाले डालेंगे। सबसे पहले यहाँ पे डालेंगे हल्दी पाउडर, मैंने यहाँ पे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर लिया है। हल्दी पाउडर के बाद मैंने यहाँ पे आधा चम्मच चाट मसाला लिया है, इससे हमारे टिक्की में थोड़ा चटपटा फ्लेवर आएगा। आप चाहे तो नींबू का रस भी यहाँ पे डाल सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पे फ्लेवर के लिए आधा चम्मच थोड़ा सा गरम मसाला डाला है, आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं वरना स्किप भी कर सकते हैं। ज़्यादा मसाले हमें इसमें नहीं डालना है क्योंकि बच्चे भी खाएंगे तो मसाले ज़्यादा रहेंगे तो उन्हें खाने में अच्छा नहीं लगेगा। अभी यहाँ पे फाइनली स्वाद के अनुसार नमक डाल देते हैं। अभी इस टिक्की में बाइंडिंग देने के लिए हमें लेना है बेसन, मैंने यहाँ पे आधा कप बेसन लिया है। आप बेसन की क्वांटिटी अपने हिसाब से ले सकते हैं, जितनी क्वांटिटी में आपको टिक्की बनानी है उसके हिसाब से आप ले सकते हैं। अभी टिक्की को थोड़ा क्रिस्पी और कुरकुरा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने आधा कप चावल का आटा लिया है, साथ में मैंने यहाँ पर आधा चम्मच जीरा लिया है। जीरा के साथ आप चाहे तो इसमें अजवाइन भी ले सकते हैं। अभी सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। बिना पानी के इसका एक अच्छे से बैटर बन जाता है, क्योंकि लौकी का जूस यहाँ पे छूटता है। कितना भी आप चाहे उसका जूस पहले से निकाल के रखें फिर भी इसमें पानी छूटता ही रहता है। तो देखिए मैंने इस तरह से इसका ऐसे सेमीथिक मिक्सर बना लिया है। ये जो मिक्सर मैंने यहाँ पे बनाया है इससे मैं यहाँ पे टिक्की का शेप देखे देख रही हूँ, तो इससे यहाँ पे आप देख सकते हैं टिक्की का शेप आसानी से बन रहा है। तो अभी इस मिक्सर को हमें 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रखना है। 10 मिनट यहाँ पे हो गए हैं, मिक्सचर हमारा अच्छे से सेट हो गया है। अभी दोनों हाथों को थोड़ा सा तेल या पानी लगा के थोड़ा सा बॉल साइज़ का मिक्सचर हमें लेना है और दोनों हाथों से ऐसे बॉल शेप बना के उसको टिक्की का शेप देना है। मैंने यहाँ पे इसे जैसे आलू की टिक्की हम लोग बनाते हैं वैसा ही इसे शेप दिया है, ज़्यादा पतला भी नहीं और ज़्यादा मोटा भी नहीं, इस तरह से हमें टिक्की बना लेनी है। यहाँ पे मैंने साइड में तेल गरम करने रखा है पैन में, मैं यहाँ पर इस टिक्की को शालू फ्राई करने वाली हूँ, आप चाहे तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। अगर आपको इसे कम तेल में फ्राई करना है तो आप इसे पैन में फ्राई करें, और नॉनस्टिक पैन में लेंगे तो कम तेल में भी ही अच्छे से क्रिस्पी और ब्राउन फ्राई हो जाती है। तेल को मैंने यहाँ पे मीडियम गैस पे गरम किया था, तेल ज़्यादा गरम रहेगा तो टिक्की ऊपर ऊपर से पकेगी बट अंदर से पकेगी नहीं, इसलिए हमें मीडियम टू लो गैस पर ही इसे फ्राई कर लेना है एकदम क्रिस्पी और ब्राउन होने तक। अभी इन टिक्कियों को हमें 1-1 मिनट के लिए दोनों साइड से फ्राई कर लेना है, पहले एक साइड से 1 मिनट के लिए और दूसरे साइड से 1 मिनट के लिए, ऐसे हमें 2-3 बार करना है, अलटते पलटते इनको अच्छे से क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है। इस स्टेज पे गैस फ्लेम लो ही रखेंगे तो टिक्की हमारे अंदर तक अच्छे से फ्राई हो जाएगी। आप देख सकते हैं टिक्की हमारी बढ़िया फ्राई हो रही है, एकदम क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन कलर आने लगा है। 1-1 मिनट के लिए मैंने इनको 2-3 बार अलटते पलटते फ्राई किया है, तो यहाँ पे बढ़िया इसको गोल्डन ब्राउन कलर आया है और बिल्कुल ऊपर से क्रिस्पी बन गई है, एकदम टेम्पटिंग यहाँ पे टिक्कियाँ लग रही है, और ऐसे लग भी नहीं रहा है कि हम लोगों ने किसी नापसंद वाली सब्जी से इसे बनाया है। और आपके छोटे बच्चे भी इन टिक्कियों को बड़े प्यार से खाएँगे, उनके मनपसंद सॉस के साथ उनको सर्व कीजिए, वो बिल्कुल बार बार मांग के खाएँगे। मेरे 5 साल के बेटे को तो ये टिक्की बहुत ज़्यादा पसंद आती है, वो 4-5 टिक्कियाँ उसके मनपसंद सॉस के साथ ऐसे ही चट कर जाता है। इन टिक्कियों को आप अगर किसी चटनी या सॉस के साथ परोसेंगे तो बिल्कुल 10 मिनट में सारी टिक्कियाँ ख़त्म हो जाएंगी और आपके घर के लोग इसे बार बार मांग के खाएंगे। तो आप भी इस लौकी से बनी टेस्टी और क्रिस्पी टिक्की को घर में ज़रूर बना के देखें और घर के सारे लोगों को खिला के देखें, सारे लोग आपकी वाह वाह करेंगे और बार बार खाने के लिए पूछेंगे। तो मिलते हैं हमारी नई रेसिपी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।
अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन प्रेस करें, साथ में दिया गया बेल का बटन भी प्रेस करें, इससे आने वाली नई रेसिपीज़ की अपडेट सबसे पहले आपको मिलेगी। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने फैमिली के साथ शेयर करें और अपनी प्यारी प्यारी कमेंट्स भी पास करें।